हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जिसकी वजह से BTC ऑलरेडी $42,000 को एक बार फिर से टेस्ट कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि BTC एक बार नीचे गिरा था, यानी कि लगभग $40,000 तक नीचे पहुंच गया था और लॉन्ग्स को तो बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ था। लेकिन अभी एक ऐसी बुलिश न्यूज आई है जिसकी वजह से अब मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो यहाँ पे BTC अब फिर से एक बड़ी अपवर्ड मूवमेंट लेने वाला है और यहाँ से BTC रिबाउंड करके लगभग $48,000 तक जाने वाला है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है वही जो हर महीने होता है, US का CPI डेटा, जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस महीने अच्छा है, लेकिन ये हर महीने पिछले कई महीनों से, लगभग 6 महीनों से बेटर ही आता जा रहा है। यही कारण है कि अभी BTC और इवन ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट्स एंड इवन स्टॉक मार्केट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको मैं हर एक चीज और भी डिटेल में बताने वाला हूँ और हम BTC की थोड़े से यहाँ पे एनालिसिस भी करेंगे ताकि हम इसका फ्यूचर भी देख पाएं। तो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। एंड हाँ, अपडेट्स अगर आप मिस नहीं करना चाहते, कोई भी न्यूज एंड अपडेट क्रिप्टो को लेकर रहने वाली जो, वो आपको मिलेगी सबसे पहले हमारे टेलीग्राम के ऊपर वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे इवन जो हमारे USCPI का जो डेटा आया था वो भी 7 बजे एग्जैक्टली डाल दिया गया था। यानी कि जैसी न्यूज आई सबसे पहले आपको वहीं पे अपडेट मिली। लेकिन यहां पे मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताने वाला हूं, यानी कि अभी BTC का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो सडन इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने $42,000 BTC ऑलरेडी देख लिया है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में इसका मेन रीजन क्या है। तो US का जो CPI एनुअल रेट आया नवंबर महीने का, वो 3.1% आया है और एक्सपेक्टेड भी 3.1% के आसपास था। प्रीवियस वैल्यू जो थी, यानी कि इससे पहले आया था 3.2, यानी कि ऑब्वियसली उससे कम आया एक तो, दूसरा एक कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना ही आया है। और जून महीने से लेकर अभी तक की हम बात करें तो न्यूएस्ट लो बनाया है। अगस्त की बात करें तो तब 6 बजे डेटा आया था जुलाई महीने का, तब क्या था, हम वहां से शुरू करते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तब जो प्रीवियस था 3.0 था और फोरकास्ट लगाया था कि 3.3 आएगा, लेकिन आया कितना था 3.2, यानी कि एक्सपेक्टेशन से कम आया। इसी तरीके से फिर सितंबर में जब आया था तो 3.6 फोरकास्ट किया गया था, लेकिन ये 3.7 आया था, यानी कि 0.1% का फर्क पड़ा था। और ऐसा ही सेम अक्टूबर महीने में भी हुआ, लेकिन उसके बाद एक सडन ड्रॉप हमें देखने को मिला जो कि नवंबर महीने में था, यानी कि 3.7% पिछला था, लेकिन उसके बाद फोरकास्ट लगाया गया था 3.3 और एक्चुअल आया था 3.2, यानी कि इतना बड़ा गैप डल गया था, जिसकी वजह से आपने देखा कि BTC एंड क्रिप्टो मार्केट ऑल ओवर बहुत अच्छा परफॉर्म करी, ऑल्टकॉइन्स ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। और दिसंबर महीने की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछला तो 3.2 था, लेकिन जो फॉरकास्ट किया गया था वो 3.1 किया गया था, और उतना ही एग्जैक्टली एक्चुअल में भी 3.1 ही आया। ये आप ग्राफ भी चेक कर सकते हैं, जो कि हाईएस्ट पहुंच गया था अगस्त में 9 तक, यानी कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी एक समय में। वही अगर हम 2020 की बात करें तो 0.1% के आसपास इन्फ्लेशन रेट चल रहा था, और ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 2021 में जब BTC लगभग $17,000 तक पहुंच चुका था, तब यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जो कि 9.1% तक पहुंचा था। अब ये धीरे धीरे कूल डाउन हो चुका है, और कूलिंग करते करते नवंबर में आप देख सकते हैं 3% आया, 3.1 आया, और दिसंबर में और भी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्टली काम कर रही है, जिसकी वजह से हमें एक बहुत ही बुलिश इंडिकेटर मिला है पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे जब CPI का डेटा रिलीज होना था, यहाँ पे सबको पता था, लेकिन बिटकॉइन के जो वेल्स हैं उन्होंने एक्युमुलेशन करनी ऑलरेडी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको पता था कि डेटा इस बार भी बेटर आ सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा BTC को एक्युमुलेट किया। इसका मेन रीजन ये था कि $40,000 तक BTC का जाना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था सभी के लिए बाइंग करने का, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा नीचे गिरता तो इसकी जो नेक्स्ट सॉलिड सपोर्ट थी वो $37,000 के आसपास थी और $38,000 के आसपास, ये दो सपोर्ट्स ही काम करती, वरना BTC उससे भी नीचे गिर जाता। लेकिन एक चीज हमने यहाँ पे देखी कि $40,000 की जो सपोर्ट है बहुत अच्छा काम करी, जिसके ऊपर लगभग 1.52 मिलियन एड्रेसेस जो हैं BTC उन्होंने होल्ड किए हुए, जो बनते हैं लगभग 5,34,000 BTC, यानी कि इतने ज्यादा उन्होंने होल्ड क्यों है वेल्स ने, तभी BTC स्ट्रांगली पकड़ पाए मार्केट में। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमें $43,850 का दिख रहा है, और उसके बाद है $40,400-$45,000 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ कि यहाँ पे जो CPI नीचे जाता है तो उसका क्या फायदा होता है। उससे क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लोअर किए जाते हैं फेडरल रिजर्व के द्वारा, जैसे कि इंडिया में RBI इंटरेस्ट रेट्स को लोअर करता है जब भी इन्फ्लेशन कूल डाउन होती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे क्या है कि लोन का रेट और बढ़ जाता है, यानी कि हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं लोन लेने के लिए, तो ऐसे काफी सारे जो इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये तो मैंने इंडिविजुअल लेवल पर बताया, लेकिन जो RBI बढ़ाता है रेट, वो हमारे जितने बैंक्स हैं उनके लिए रेट बढ़ाते हैं। सिमिलरली वहाँ पे जो फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाते हैं तो पूरी इकॉनमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, ताकि इन्फ्लेशन को कूल डाउन किया जाए। अब इन्फ्लेशन ऑलरेडी इतनी कम हो रही है, जिसकी वजह से अपने इंटरेस्ट रेट्स को लोअर करने वाले हैं,
इंटरेस्ट रेट्स लोअर होंगे तो इससे क्या कि लोग ऐसा भी करेंगे कि पैसा लेके लोन पर लेके वो कुछ बाय करने वाले हैं, जिसमें वो प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हैं, स्टॉक्स एंड शेयर्स बाय कर सकते हैं, इवन बीटीसी या फिर बाकी ऑर्डकंस को भी बाय कर सकते हैं। इससे और भी ज़्यादा बाइंग आएगी मार्केट में एंड डेफिनेटली बीटीसी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो यही कुछ मेन रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का डाटा आते ही जब बीटीसी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और ऑल्ट कॉइन्स भी परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पर ही। अब इसी से एक और हम फॉरकास्ट लगा सकते हैं, सबसे बड़ा फॉरकास्ट कि सीएमई अब क्या करने वाला है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 99% प्रोबेबिलिटी यही बन रही है कि सेंट्रल बैंक्स के ऊपर जो रेट हाइक्स किए जा रहे थे यूएस में, वो अभी हाइक नहीं किए जाएंगे। इन हाइक्स को अभी कंट्रोल किया जाएगा, इसको कम किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर बात करें बीटीसी की, तो बीटीसी बहुत आसानी से अब $44,000 तक जा सकता है। यहाँ पे हमें एक्चुअल में क्या चाहिए वो है सबसे ज्यादा वॉल्टिलिटी होना। मार्केट में जितनी ज्यादा वॉल्टिलिटी होगी उतना अच्छा ऑल्टकॉइंस ऊपर जाएंगे या फिर उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ बिटकॉइन या फिर जो भी मनी फ्लो आएगा पूरी क्रिप्टो मार्केट में। तो करंटली हम जो देख पा रहे हैं ये टेम्परेरी बेयर ट्रैप है। जैसे कि टेम्परेरी बुल ट्रैप होता है वैसे ये टेम्परेरी बेयर ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पे जैसे बीटीसी ऊपर बढ़ना शुरू होगा जो भी बेयर्स होने वाले उनको जबरदस्ती अपने जो होल्डिंग्स है वो सेल करने ही पड़ेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके प्रॉफिट्स तो क्या होना बल्कि उनके जितने भी एसेट्स हैं वो सारे लूज कर देंगे। अब यहाँ पे वेल्स की एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट्स हो रही हैं, जैसे कि थोड़ा समय पहले ही 549 BTC और 646 BTC ट्रांसफर किए गए OKX के ऊपर, कॉइनबेस के ऊपर। लगभग 1500 BTC सेंड करे गए कैरेकन से बिटफिनेक्स के ऊपर, फिर 1300 BTC किए गए। इस तरीके से लगातार जो ट्रांसफर्स चल रहे हैं इससे क्या कि होल्डिंग्स बढ़ती जा रही हैं BTC वेल्स की। तो यही ओवरऑल सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों अभी मार्केट और भी अच्छी होने वाली है। लेकिन हाँ, यहाँ पे छोटी मोटी करेक्शन हमेशा चलती रहेंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी $42,000 के आसपास BTC था और फिर से ये नीचे आ गया $41,400 के आसपास चल रहे हैं, तो ये करेक्शन चलती रहेंगी। ये हो सकता है $40,000 तक भी चला जाए। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा वाइडर व्यू पॉइंट से देखें तो आपको एक बहुत अच्छा ऊपर जाता हुआ ग्राफ ही दिखेगा। एंड यही कारण है कि मैंने आपको काफ़ी सारे पिछले वीडियो में ऑल्टकॉइंस बताए थे कि आप कौन से ऑल्टकॉइंस बाय कर सकते हैं। खासकर मैंने आपको एक्सचेंज कॉइंस का बताया था और एक्सचेंज कॉइंस में से 2-3 कॉइंस बहुत अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। 5 बताए थे, उनमें से WRX ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, BNB ने ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट दे दिया है। $240 के आसपास हमने बाय किया था, लगभग $13 से लेकर $15 का हमें प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है। इसी के साथ KCS कॉइन हमने बाय किया था जो कि क्यूकॉइन का कॉइन था, क्यूकॉइन का खुद का जो नेटिव कॉइन था, वो लगभग $9-10 के आसपास बाय किया था, आज लगभग $14 तक गया है, तो वो भी हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया उसमें। इसी के साथ साथ FTT का आपको बताया था जो कि FTX एक्सचेंज का कॉइन था, तो उस कॉइन ने भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, लगभग $3 के आसपास बाय किया और $5 से भी ऊपर पहुंच गया था, लगभग $6 तक पहुंच गया था। तो ऐसे ही मैं ऑर्डकंस आपके साथ शेयर करता रहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डीप टेक्निकल एनालिसिस, और ये एनालिसिस मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर करता हूं। तो वॉल ट्रेड ऑफिशियल को हमेशा ज्वाइन करके रखें। किसी भी कॉइन के बारे में अगर आपने डिस्कशन करनी है, कुछ भी आपने डिस्कस करना है, तो हमारे टेलीग्राम के ऊपर एक वॉल ट्रेड डिस्कस के नाम से ग्रुप भी है जहां पे आप हमारे ट्रेडर्स के साथ कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।